गबरू टीवी देख रहे सारे दर्शकों नूं मेरे वल्लों सत श्री अकाल। मेरे नाल ने अवनीत कौर सिद्धू जी, साडी प्रोटेक्शन दे लई स्पैशली बहुत काम करदे ने। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सो मैम, अज तुसीं स्पैशली इत्थे पहुंचे हो, पहलां तां की कहना चाहोगे? मैं सारी टीम नूं जी, कौसर दी सारी टीम नूं वधाई देना चाहूँगी। और कदे ना कदे इस तरह मतलब कोई इज्जत मान वाला सानू इनवाइट करता तो साड़ी कोशिश होती है कि उत्थे पहुंचा जाए। सो अच्छा लगे इन्हां दे विच शामिल होके। अच्छा मैम, तुसीं वैसे तो बहुत बिजी रहिंदे हो, है ना? जिहड़ी पुलिस लाइन है वो बहुत ज़्यादा बिजी रखती है तुहानू, तां तुसीं टाइम कढ लैंदे हो अपने लिए इस तरह सैलून वगैरह दे विच आउण लई? मतलब टाइम कढ भी लगता जी कदे ना कदे, सो डिपेंड करता है। ज़्यादा तो नहीं होंगे गा, पर जो मतलब टाइम होंगे फ्री टाइम तो डिपेंड करता है। अदरवाइज तो ड्यूटीज़ ही सारे बिजी रहिंदे है, सो वंस इन अ वाइल हो जाता। अच्छा मैम, एक सवाल सीगा मेरा, तुसी अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोवां नूं बड़ा ही बैलेंस करके चलते हो। जे अजकल दे यूथ की गल करिए तो उन्होंने ये होंगे कि मैं अपना करियर सामला, मैं विआह वाले चक्कर च नहीं पैना, तो तुसी दोवें लाइफ नूं बड़ा ही बैलेंस करके चलते हो, तो उन्होंने की कहना चाहोगे यूथ नूं? देखो हाँ जी, बैलेंस तो वैसे ही लाइफ बहुत जरूरी है, चाहे आप कितने भी जाइए। हर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड कहते हैं, सो कुछ भी कितने भी आप जाना है बैलेंस जरूरी है अपन रखना। और यूथ नूं भी मैं यही कहूँगी कि मिलके चलना चाहिए, बिकॉज अगर अपना प्रोफेशनल लाइफ जरूरी है, प्रोफेशनल लाइफ में एक चीज़ मैं देखी है कि प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी रिप्लेसमेंट हो सकती है, पर फैमिली थोड़ी रिप्लेसमेंट नहीं है। सो दोनों का ही बराबर रखना बहुत जरूरी है, एंड टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़े फोकस नाल, थोड़ी प्रायोरिटी सैट करन नाल दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं जी। आखिरी सवाल है मैम, अजक जो असं गल करिए, तुम ओलंपियन भी रहे हो, अर्जुन अवार्ड तुम्हें मिले आ, तो मतलब अजक जोड़े पंजाब का यूथ है, बच्चे ने गेमों के इन्ना ज़्यादा इंट्रस्ट नहीं लै रहे, खेडों के उन्होंने रुझान नहीं है, उन्होंने की कहना चाहोगे? देखो जी, असी हमेशा इस तरह के प्रोग्राम्स भी करीदे है, वैन वी गो आउट टू विलेजेस एंड अदर प्लेसिस, यूथ नूं असी अपील भी करते हैं हमेशा, थोड़ा जा असी पेरेंट्स नूं भी कहने, बिकॉज इहदे विच पेरेंट्स का भी रोल है, सिर्फ बच्चों का नहीं है, बिकॉज उन्होंने भी चाहिए कि वह अपने बच्चों वो आदत शुरू तो पौन, वैन ईज़ 1 or 2 ईयर्स ओल्ड, उदों तो ही उन्होंने बाहर लैके जा, पार्क लैके जा, स्पोर्ट्स करवा की आदत पौनगे, जो वे ऑफ लाइफ बन जाता थोड़ा तो फिर उसनों चेंज नहीं होंगे गा। सो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शुड बी अ वे ऑफ लाइफ, मतलब जरूरी नहीं है कि हर किसी ने ओलंपियन बनना है या हर किसी ने मेडल्स जितने हैं, बट अपनी हेल्थ लिए, अपनी फिजिकल तो इमोशनल हेल्थ लिए स्पोर्ट्स करना बहुत जरूरी है। सो यूथ नूं भी मैं कहूँगी भी टू हैव अ गुड लाइफ अहैड इन द फ्यूचर, जरूर तो उन्होंने फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।